नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की न्यू न्यूज। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले दोस्तों, अगर आपके पास Redmi 13 5G मोबाइल दोस्तों, आप उसमें पावर बटन टू एंड कॉल सेटिंग इनेबल करना चाहते हैं या दोस्तों आप उसको डिसेबल करना चाहते हैं। पावर बटन टू एंड कॉल सेटिंग इनेबल करने के लिए आपको करना है, सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स का। आपको सिंपली उसे पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा एसेसिबिलिटी का। आपको सिंपली उस पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपके में जनरल में दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फिजिकल का। आपको सिंपली फिजिकल वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा पावर बटन एंड का। दोस्तों आपको ये टिक डिसेबल, आपको ये टिक इनेबल कर देना है। टिक इनेबल करने के बाद तो आपके मोबाइल में पावर बटन टू इंड कॉल सेटिंग इनेबल हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल में पावर बटन टू इंड कॉल सेटिंग इनेबल कर पाएंगे। वीडियो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे वीडियो में।